राहुल गांधी का मिशन राजस्थान। आपको बता दें कि राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे। मानगढ़ की धरती से राजस्थान को साधने की कोशिश होगी। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी मानगढ़ आ रहे हैं और आज शाम 4 बजे बांसवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मानगढ़ धाम में कई मंत्री और विधायक भी पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और डोटासरा स्वागत करेंगे। तो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग पर जोर रहेगा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से मानगढ़ धाम के विकास के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। तो राहुल गांधी का मिशन राजस्थान। मानगढ़ धाम में कई मंत्री और विधायक पहुंचे हैं। देखिए 4 बजे राहुल गांधी भी मानगढ़ पहुंचेंगे और उससे पहले सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ पहुंच चुके हैं। कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल का मानगढ़ दौरा, और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और राहुल गांधी आज विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ आज राहुल गांधी अपने संबोधन में कहने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो मानगढ़ से राजस्थान को साधने की कोशिश। आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और देखिए मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव है और इसी को लेकर के राहुल गांधी राजस्थान से ही हुंकार भरेंगे जिसकी आवाज मध्य प्रदेश तक जाएगी। तो मानगढ़ धाम में कई मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं स्वागत करने के लिए। कल से ही देखिए जो तस्वीर आई उसमें ये देखा गया कि लगातार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो मानगढ़ पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ पहुंच चुके हैं। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी जब सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ पहुंचे और तमाम बड़े कद्दावर नेता मानगढ़ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। तो विश्व आदिवासी दिवस आज है और इसी उपलक्ष में देखिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ आज वो अपने संबोधन में कहने वाले हैं, ये सब कोई आज सुनेगा, सबकी नजरें उसी पर टिकी रहेंगी। तो राहुल गांधी का ये मानगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी और रमीला खड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी हमारे विधायकगण। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। मानगढ़ धाम में एक मेला लगता है आज के दिन, क्योंकि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैंने जितना सुना और जो देखा है कि आपके संगीत की जो धुन थी, जो गीत था, उसमें आवाज आ रही थी, गुरु गोविंद ने भक्ति ने भणती, कौन लाया तमे मारा गुरु है लाया, धोनी द्वारा जोड़ने का काम किया तमे मारा गुरु है लाया, मानगढ़ मेला किने भरवाया तमे मारा गुरु है लाया। तो एक बार जोरदार जोर से जो गुरु लाए हैं, गोविंद देव गुरु की, ये तो लगाई नहीं कि आपके जैसी जगह, जो एक एकदम ऐतिहासिक संगीत धुन तीर कमान लगाई नहीं, बोलो गुरु गोविंद देव की, जोर से पहाड़ गूंजना चाहिए पूरा। मालवीय जी की आवाज तो इतनी तेज है, इनकी अर्जुन सिंह बामणिया जी और हमारे जो विधायक हैं गणेश जी, रामलाल जी, रमीला जी, इनकी आवाज वहां गूंजती है नागराज जी विधानसभा में, तो आपकी तो पहाड़ पे गूंजनी चाहिए, बोला गुरु गोविंद देव की। अब लगा, अब थोड़ा बहुत लगा कि हाँ कोई है बस रहे। हमें आपकी भाषा तो नहीं आती है, लेकिन 9 अगस्त का आज का यह मेला, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है और आदिवासी समुदाय हर्षोल्लास से इस दिवस को मनाता है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया दिवस है। और बांसवाड़ा में जो ये मानगढ़ की जो मिट्टी की जो कथा है, जो कहानी है, ये एक राष्ट्रीय धरोहर की मांग आप कर रहे हैं, बांसवाड़ा पूरा आदिवासी समाज कर रहा है भारत सरकार से। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय आए
और यहां पर क्या करके गए हमें पता नहीं है। खैर, लेकिन आदिवासी, जो आदिवासी किसे कहते हैं? आप कहते हैं कि जंगल, और जैसा अभी हमारी माननीय विधायक महोदय ने बोला, लेकिन मैं मानती हूं कि जंगल नहीं, आप जजबाती हो, आप जमीर वाले हो, जय जय आदिवासी गुरु गोविंद देव के हो। तो आपको तो महान कहती हूं मैं। और आदिदेव कौन है? आदिदेव कौन है? महादेव। आदिदेव कौन है? महादेव। और भैरू जी, तो आप तो उनको मानने वाले हो, फिर आप कैसे हुए पिछड़े? जो सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं करी हर पूरे राजस्थान के लिए, मैं तो ये मानती हूं आप सभी को, आज जो युवा पीढ़ी यहां पर सामने है, उन्हें नशा और हथियार की बजाय कलम अपनानी चाहिए। आपको कलम अपनानी चाहिए, जिससे कि ऊंची से ऊंची गद्दी पर, कुर्सी पर बैठने का आपका हक बने, अधिकार बने। कलम किसने अपनाई थी? कलम अपनाई थी भीमराव अंबेडकर जी ने। और भीमराव अंबेडकर जी विश्व प्रसिद्ध हुए, क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कलम अपनाई थी। तो आपको भी उस कलम का सहारा लेकर के अपने को पहुंचना चाहिए उन सीढ़ियों तक, जहां की सरकार के कानून बनते हैं वहां पहुंचना चाहिए। और जो राजस्थान सरकार की एक एक योजना अगर आज से गिनाने लगे तो उसमें कल हो जाएगा। मैं तो दो चार छोटी छोटी योजनाएं बताऊंगी। पालनहार 1500 कर दी, वृद्धावस्था 1000 कर दी, बच्चियों की शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री। जो राजस्थान का युवा है वो नौकरी के बाद सोच रहा था कि 60 साल के बाद मेरा बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, नौकरी तो लग गई सरकारी, तो उसका भविष्य शिकोर करने का काम किया कि ओल्ड पेंशन लाकर के सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, कि मेरे राजस्थान के युवा को निराश होने की जरूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी, बुजुर्गों के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं कि चिरंजीवी भाव, तो वो चिरंजीवी को जो शब्द है उसको साकार करने का काम किया। मैंने खुद ने देखा, मेरे पास लोग लिखवाने आते थे कि मैडम मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चिट्ठी लिख दो, मेरे बेटे की किडनी खराब हो गई, पैसा नहीं है मेरे पास, घर बेच के भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस मां के आंसू पहुंचने का काम किया कि 25 लाख रुपए तक का ऑपरेशन होगा, उससे ज्यादा होगा तो भी उसकी पूर्ति सरकार करेगी। तो ये सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एक एक योजना, और उससे भी बड़ा काम, एक दिन एक नरेगा की लेबर की बहुत सारी महिलाएं आई जन सुनवाई में, उन्होंने कहा कि साहब आपने दवाई फ्री, जांच फ्री कर दी, एक काम और कर दीजिए कि हमारी 10 रुपए की पर्ची भी नहीं बने, तो वो 10 रुपए की पर्ची भी पूरे राजस्थान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको भी माफ कर दिया। और आज जो देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन जो कांग्रेस ने किया कि इस भारत देश को लाकर के विकास के पथ पर खड़ा करने का काम किया, कहीं घर में अगर एक मौत भी हो जाती है तो उदासी छा जाती है। वो धन्य है इंदिरा गांधी जिसने जब युद्ध हुआ पड़ोसी देश से तो लाखों की सेना को कदमों पे झुका दिया, हथियार झुका दिए थे। और उससे भी बड़ी बात, एक घर में अगर कोई मातम हो जाए तो पूरे गांव में मातम छा जाता है। आप सोचें कि अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने सीने में गोली खा करके पूरा लहू अपने जिस्म का इस भारत माता को पिलाने का काम किया, तो इंदिरा गांधी जी ने किया, इस देश के लिए किया, अपनी भारत भूमि के लिए किया। ऐसी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति का, हर वर्ग का जो ध्यान रखती है वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आप सबसे के लिए, मैंने बांसवाड़ा के लिए भी और आदिवासियों के लिए भी एक कविता लिखी है, वो मैं बोल देती हूँ बिल्कुल सब। और थोड़ी देर में सम्माननीय राहुल गांधी जी भी यहाँ पर पधारेंगे। मैं आदिवासियों के लिए लिखी है मैंने दो लाइन कि ए दुनिया वाले आदिवासी को ना समझना, हम तेरे पैतरे खूब समझते हैं,
हम आदिवासी हैं, जंगल को खूब समझते हैं। ए हाकिम, हमें ग्रहों की चाल में मत उलझाना। हम सूरज चांद और मंगल को खूब समझते हैं, तीर समझते हैं, कमान समझते हैं, धूप समझते हैं, छाव समझते हैं। हम आदिवासी को समझा, उसे खूब समझा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने समझा। ए बीजेपी वालों, हमें नादान ना समझना, हम तुम्हारी हर चाल समझते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत मैडम। अब हमारे बीच में हमारे महबूब मेहमान परम सम्मानीय राहुल गांधी जी पधार गए हैं। जब मंच पे पधारे तो आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी, राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी। वहां तक भी आवाज नहीं जा रही है क्या? हमारे राहुल गांधी जी पीछे पधारे, वहां तक भी आवाज नहीं जा रही, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अभी हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता परम सम्मानीय राहुल गांधी जी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है तो मानगढ़ धाम पर पधारे हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, बांसवाड़ा की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी। अशोक गहलोत, और जोर से अशोक गहलोत, राहुल गांधी। आवाज नहीं दिया मेरी बराबर आवाज नहीं दिया मेरी सेवा दल, क्या बात है। और जोर से राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। आवाज नहीं दिया मेरी भाई, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, गुरु गोविंद सिंह, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी। बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारे युवा नेता परम सम्मानीय राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी का मिशन जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राहुल गांधी मानगढ़ पहुंच जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मानगढ़ से सीएम अशोक गहलोत मंच पर मौजूद है और तमाम बड़े कद्दावर नेता भी मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भी आपको मंच पर नजर आएंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी का ये मानगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है और राहुल गांधी आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंच चुके हैं मंच पर और अशोक गहलोत भी मौजूद है। और ये तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच चुके हैं और अशोक गहलोत आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और ये देखिए तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और मंच पर लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो मानगढ़ धाम से देखिए ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी मंच पर पहुंच चुके हैं और ये स्वागत करते हुए तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये पहली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी मिलते हुए जो वहां पर नेता है उनसे नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं और ये देखिए सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का माला पहना करके स्वागत किया।
अपने अपनी सीट पर बैठ जाएं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तमाम मंत्री